नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का किया ऐलान। यूपी में 403 सीटों के लिए 7 चरणों में होगा मतदान। उत्तराखंड, गोवा और पंजाब में 1 चरण में डाले जाएंगे वोट, जबकि मणिपुर में 2 चरणों में होगा मतदान। 11 मार्च को घोषित होंगे नतीजे। उत्तर प्रदेश में चुनाव की तारीखों के ऐलान के बावजूद नहीं थम रहा समाजवादी पार्टी में जारी संग्राम। अखिलेश और मुलायम गुट में बैठकों का दौर जारी, पर नहीं बन रही बात। टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय की गिरफ्तारी पर पश्चिम बंगाल से लेकर दिल्ली तक हाहाकार। बंगाल में बीजेपी सांसद बाबुल सुप्रियो ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगाया घर पर हमले का आरोप। वहीं गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से मांगी रिपोर्ट। पंजाब में चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही खत्म हुआ नवजोत सिंह सिद्धू पर सस्पेंस। कांग्रेस के टिकट पर अमृतसर से चुनावी मैदान में उतरेंगे सिद्धू। पत्नी नवजोत कौर सिद्धू ने की पुष्टि। यमन के दक्षिणी प्रांत अभियान में आतंकी संगठन अलकायदा और यमन सेना में संघर्ष जारी। माराकिशा की पहाड़ियों में सेना ने अलकायदा के ठिकानों पर किया हमला। 13 आतंकी ढेर, जबकि 10 सैनिकों की हुई मौत। और ऑकलैंड ओपन टूर्नामेंट में विलियम्स बहनों को बड़ा झटका। दूसरे दौर में अमेरिका की मेडिसन ब्रेंगल से हारी सेरेना विलियम्स, तो वहीं चोट की वजह से दूसरे दौर से बाहर हुई वीनस विलियम्स। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीपी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।